सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और पाइए यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपीएसआई से जुड़ी सबसे तेज अपडेट, यानी सबसे तेज अपडेट अपने फ़ोन पर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मित्रों, आज हम लोग बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2017 नोटिफिकेशन की। तो इसमें लिखा हुआ है, आज का ये अमर उजाला का पेपर है, इसमें लिखा हुआ है 41,982 सिपाहियों की भर्ती के लिए जारी नहीं हो पा रहा है विज्ञापन। जानते हैं क्यों, तो पूरा डिटेल में पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है, प्रदेश में इस वर्ष 41,982 सिपाहियों की सीधी भर्ती के लिए अभी तक विज्ञापन जारी नहीं हो पाया है। इसके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पुनर्नत बोर्ड वर्ष 2015 में शुरू हुई 34,716 पदों पर सिपाहियों की सीधी भर्ती मामले में हाईकोर्ट के निर्णय का इंतजार कर रहा है। दरअसल इस भर्ती मामले में हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी है। यही नहीं, 9 अक्टूबर को हुई अंतिम सुनवाई के बाद फैसला भी सुरक्षित रखा हुआ है। सूत्रों का कहना है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पुनर्नत बोर्ड 41,982 सिपाहियों की भर्ती शुरू करने से पहले वर्ष 2015 की सीधी भर्ती मामले पर हाईकोर्ट के निर्णय को जान लेना चाहता है, जिसमें एक बार भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद इसमें किसी तरह की कोई रुकावट पैदा ना हो। हालांकि बोर्ड से जुड़े एक अधिकारी का कहना है कि इस वर्ष 2015 की सीधी भर्ती का फैसला आने से अधिक समय लग सकता है, तो भर्ती 2017 की प्रक्रिया पूरी की जाए। 47,000 से अधिक पुलिसकर्मियों की भर्ती होना है। सूत्रों की माने तो इस वर्ष 41,982 सिपाही, 3,300 उप निरीक्षक के अलावा फायरमैन व जेल वार्डन की कुल 47,000 भर्तियाँ होनी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बार सार्वजनिक कार्यक्रमों में इन भर्तियों का जिक्र कर चुके हैं। ऐसे में भर्ती बोर्ड पर भी दबाव है कि इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द शुरू किया जाए। तो मित्रों, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन आने की संभावनाएं हैं, लेकिन अब कब आता है नोटिफिकेशन, इस बात पर सरकार का अंतिम निर्णय ही अंतिम होगा। तो मित्रों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप चाहते हैं हमसे जुड़कर यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपीएसआई की तैयारी करना, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ मिलती रहेगी आपको लगातार यूपीएसआई और यूपी पुलिस कांस्टेबल से जुड़ी सारी अपडेट। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।